मेरे अब्बा दिल्ली के हैं, उनकी पासपोर्ट पे अभी तक लिखा हुआ है बोर्न इन दिल्ली. एंड बाय द वे आई हैव गॉन टू दिल्ली आल्सो, लखनऊ आल्सो, गुजरात आल्सो. ऑफ कोर्स आई वाज वर्किंग विद शाहरुख एंड दैट वाज अ ड्रीम कम ट्रू एंड आई हैड सो मच फन. तेरी जित मैं बड़ी इज्जत ते अपनी जिंदगी लाए ने मौले. मैंने सोचा नहीं, मुझे सोचवाया गया और मुझे कन्विंस किया गया. क्योंकि अगर मैं मुझे कभी कोई कहता कभी भी कि आप अपनी जिंदगी में एक पंजाबी फिल्म करेंगी, तो मैं कहती पागल हैं आप क्या? आपको पता भी है कि मेरी मतलब मैं क्या हूँ, कहाँ से आती हूँ, मैं कभी पंजाबी फिल्म कैसे करूँगी? इसलिए नहीं क्योंकि पंजाबी फिल्म में कोई इशू है या मगर एक तो ये कि पंजाबी फिल्में बनना ही बंद हो गई, पहली बात. दूसरी बात ये कि मेरी जुबान नहीं है, मैं उसको सही तरह I don't know Punjabi, so it's a bit difficult for me to, you know, imagine that मैं Punjabi film करती. लेकिन फिर मुझे बिलाल ने convince किया और time लगा लेकिन मैं convince हो गई. आपकी तो इतनी fan following है यहाँ पंजाब में, इंडिया में, इंडिया में, इंडियन डायस्पोरा में, तो एक तो सवाल सब ये पूछ रहे हैं कि भाई ये इंडिया में कैसे देखेंगे? देखिए आप अपनी गवर्नमेंट से बात कीजिए जो हमारी फिल्म नहीं लगाने देते. मजा तो तब आएगा ना जब फिल्में दोनों जगह लगे, इतना मजा आएगा. बेशक आप हमें हम दोनों इंडस्ट्रीज में एक दूसरे के साथ काम ना करें लेकिन फिल्में तो लगे, उसमें इतना मतलब उसमें क्या बड़ी बात है. और बट ये हमारे बस की बात ही नहीं है, ये एक पॉलिटिक्स है. ये बहुत साल पहले मैंने सीख लिया था कि इस पे बात करना, इस पे अफसोस करना या ये होप करना कि कुछ बदल जाएगा ना समझी होगी, क्योंकि ये पॉलिटिक्स है. उसमें हम उसमें जब उनका दिल चाहता है वो लगा देंगे, जब नहीं चाहेगा वो हमें इस्तेमाल करेंगे एज इजी टारगेट्स. ये होता रहेगा. सब ये मैं मुझे नहीं पता आप कैसे देखेंगे. होपफुली ये किसी डिजिटल पोर्टल पे आएगी इंशाल्लाह, तो ही आप लोग देख पाएंगे. लेकिन जो इंडिया में इतने फैंस हैं, भले फिल्म अभी नहीं देख पाएंगे लेकिन आपकी कुछ जो इंडिया की मेमोरीज, अगर इंडिया हैप्पी मेमोरीज अगर जो आपके आपकी हैं वो अगर शेयर कर पाए. मेरी सिर्फ हैप्पी मेमोरीज हैं, सिर्फ. एक्चुअली मेरी कोई बैड मेमोरीज है ही नहीं. लोगों को लगता है कि ओ इनको निकाल दिया, बैन कर दिया. नहीं, किसी को नहीं निकाला. हम यहीं बैठे हुए थे पाकिस्तान में, कोई निकला नहीं था. लेकिन बहुत अच्छी मेमोरीज हैं. एंड बाय द वे आई हैव गॉन टू दिल्ली आल्सो, लखनऊ आल्सो, गुजरात आल्सो, मगर मेरा ज्यादा ज्यादा वक्त मुंबई में गुजरा. और मैंने आपने बताया कि आपके अब्बा दिल्ली के हैं. जी, मेरे अब्बा दिल्ली के हैं, उनकी पासपोर्ट पे अभी तक लिखा हुआ है बॉर्न इन दिल्ली. और बात तो ये है कि हम एक से हैं, हम में कोई फर्क ही नहीं है. जुबान एक है, कल्चर एक है, सोग वैसे ही मनाते हैं, सेलिब्रेशन भी वैसे ही मनाते हैं, प्यार भी वैसे ही करते हैं, बदतमीजी भी वैसे ही करते हैं. प्यार भी वैसे ही करते हैं और बदतमीजी भी वैसे ही करते हैं. बिल्कुल सही कहा. तो इसमें एक ऑब्वियसली आपको तकलीफ तो होती है कि यार अब मैं कभी वापस नहीं अपनी अपने दोस्तों से नहीं मिल पाऊंगी. यू नो फिल्म तो बड़ी दूर की बात है. सो ये है और बहुत अच्छी मेमोरीज हैं. मुझे तो बहुत मजा आया वाला वस्ते. जी जी आपने बस जाते जाते शाहरुख का जिक्र किया, मुझे लगता है बहुत सारी फरमाइश है कि आप प्लीज लास्ट जाते जाते ये बताएं कि उनके साथ आपका काम करने का जो ख्वाब या तजुर्बा कैसा रहा. अमेजिंग. मैं तो ये हमेशा कहती हूँ और मुझ पे सब नाराज हो जाते हैं. सच बात तो ये है कि मेरा ख्वाब था कि मैं उनके साथ काम करूँ और मुझे ये अल्लाह मियाँ ने दिया. इट्स अ ब्लेसिंग. मैं उनकी बड़ी इज्जत करती हूँ. जब मिस करती हूँ तो कोई मैसेज कर देती हूँ. कौन था वो है अभी तक, उसके लिए मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ. एंड देन एज एन एक्टर सीखने को मिला, तो वो भी मैं अपने आप को बहुत ब्लेस समझती हूँ दैट आई गॉट टू डू दैट. मुझे बहुत मजा आया. मतलब मैं हर रोज एल्को जाके चाट खाती थी. हर रोज सेट पे मैं कहती थी चाट मंगवा लें, ये मंगवा लें, खाना मजे से मैं खाती थी. ऑफ कोर्स आई वाज वर्किंग विद शाहरुख एंड दैट वाज अ ड्रीम कम ट्रू एंड आई हैड सो मच फन.
मेरी पूरी टीम आज तक मैं उन उनसे बात करती हूँ, चाहे वो राहुल हों या मेरे ईडीज थे, मेरे मेकअप और हेयर स्टाइलिस्ट थे। तो याद तो आती है क्योंकि बहुत अच्छी दोस्तियां बनाई थी। मेरी मदर टंग जैसे पंजाबी है, तो अभी कोई आपने ऐसे मजेदार कुछ जुमले सीख लिए अभी तक जो आप बोल सके? इतना तो मैं बोल लूंगी, कोई कोई गाल जड़ी तुनू हूं बोलनी आंदी है पंजाबी च। कुछ सानू माफ कर दियो, मुझे कुछ पंजाबी नहीं आती। कोई जुबान सीखनी हो तो फ्रेंच के अलावा, और शायद एक्चुअली नहीं, मुझे बहुत सारी जुबानें सीखनी है, लेकिन पंजाबी में जो मजा है ना बात करने का, है डांटने में भी एक और प्यार मिनट। में भी। बिल्कुल बिल्कुल, डांटने भी में भी मजा है और प्यार करने में भी मजा है। मतलब रोमांस तो कुछ और ही बन जाता है पंजाबी में, और डांटना भी बहुत मजा आता है, बहुत मजा आता है।